आज हम बनाने जा रहे हैं चाट वाली कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी का चाट के ऊपर आप वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे इमली की चटनी का करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चटनी को कैसे बनाया जाता है। ये हमने दो कच्चे आम लिए थे जिनका वजन 400 ग्राम था। ये हमने रामकेला आम लिया है क्योंकि इसका गुद्दा बहुत ज़्यादा होता है। तो आमों को हमने पील कर लिया और उसमें से गुठली निकाल दी, तो ये जो पल्प निकला है इसका वजन 250 ग्राम है। हमने एक पैन दिया है, इसमें ये कटे हुए आम डालेंगे और साथ में एक कप पानी डालेंगे। गैस को हमने सिम पे रखा है, इसे अच्छे से स्टर करेंगे। आमों को हमने अच्छे से स्टर कर लिया, अब इनको ढक्कन लगा के पकाएंगे और बीच बीच में हिलाते जाएंगे। आमों को पकते 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए थोड़े नरम हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नरम नहीं हुए, इन्हें 3-4 मिनट और पकाएंगे ताकि ये पूरी तरह से नरम हो जाए। वापस इसको ढक देंगे। आमों को पकते 3-4 मिनट और हो गए हैं। ये देखिए आम नरम हो चुके हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब इसे ठंडा होने देंगे। आम ठंडे हो चुके हैं। इसमें बॉईल करने के बाद जितना पानी बाकी बच गया था उसी पानी में हम इसे ग्राइंड करेंगे और इसका फाइन प्यूरी इसकी बना लेंगे और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे इसमें। अब इसकी फाइन प्यूरी बना लेंगे। आम की फाइन प्यूरी बन गई है। अब इसे छान लेंगे क्योंकि इसमें रेशे होते हैं, इसे छानना बहुत ज़रूरी है। ये मिक्सर जार में जो पल्प रह गया है इसमें आधा कप पानी डाल के इसे अच्छी तरह से हिला के इसे भी छान लेंगे। ये देखिए आम में से सारे रेशे छन गए हैं और ये फाइन प्यूरी हमारी तैयार हो गई। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। उसी पैन में ये आम का पल्प डालेंगे। ये हमारे कच्चे आम कटने के बाद इनका वजन 250 ग्राम था। ये हमने 250 ग्राम ही गुड़ लिया था, उसका हमने सिरप बना लिया। उसमें एक कप पानी डाला था, गुड़ को क्रश कर लिया था और सिरप उसका बना लिया। तब तक बनाया जब तक गुड़ उसमें पानी में डिजॉल्व हो गया, उतना ही हमने पकाया। इसका सिरप बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका सिरप बना के ही हम उसको छान सकते हैं। ये देखिए गुड़ में से कितना कचरा निकला है। गुड़ में ज़रूर इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, इसे छानना बहुत ज़रूरी है। अब ये इसका सिरप इसमें डाल देंगे। ये हमने एक कप पानी डाला था और 250 ग्राम गुड़ डाला था। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को मीडियम पे कर देंगे। अगर आपका गुड़ साफ है तो आप ऐसे भी क्रश करके डाल सकते हैं और ऊपर से एक कप पानी डाल दीजिए। हमने पानी इसलिए और नहीं डाला क्योंकि हमने सिरप बनाने में एक कप पानी यूज़ किया था। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये कुछ सूखे मसाले हैं, ये डालेंगे। ये हमने आधा टीस्पून सेंधा नमक लिया था, आधा टीस्पून काला नमक, एक टीस्पून सौंठ जिंजर पाउडर जिसे कहते हैं, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और हल्का तीखापन भी आएगा, 1.5 टीस्पून भुना हुआ ग्राइंड किया हुआ जीरा, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। सौंफ के बदले आप इलायची भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें डालेंगे इसमें और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और चटनी को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। कड़छी लगातार चलाएंगे, बीच बीच में गैस को कम या ज़्यादा करते रहेंगे अपने हिसाब से।
सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। गैस को हमने सिम पे कर दिया था, अब हम लो मीडियम पे कर देंगे गैस को। और ये हमने 5 से 6 छुहारे लिए थे, उन्हें 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। ये देखिए नरम हो गए, उनकी गुठली निकाल के ऐसे लंबे लंबे पीसेस काट लिए। ये भी इसमें डाल देंगे, इसमें छुहारे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये 20 दाने किशमिश हैं, ये भी डाल देंगे और इन्हें भी चटनी के साथ ही पकाएंगे। चटनी को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है, कड़छी लगातार अब चलाएंगे। ये चटनी आपकी साल भर खराब नहीं होगी, आप इसे एक एयरटाइट जार में भर के, जब ये ठंडी हो जाएगी तो एयरटाइट जार में भर के फ्रिज में स्टोर कीजिए और जब जी चाहे आप खा सकते हैं। हमारे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। ये देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब गैस को बंद करेंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।